हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका कौर ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो फ्रेंड्स, एक नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि फिर आप लोगों से वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा एंड मुझे लगेगा कि पड़ेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे काम को रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए। सो फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए कि हमारी जो है पूजा अभी हो गई है फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो चलो साथ में फ्रूट चाट बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, किचन में मेरे से खुले बालों में काम नहीं होता है तो हम बाल कर लेते हैं, बांध लेते हैं बालों को। तो अब करते हैं काम, पहले फ्रूट धो लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में अगर आप फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। अगर डेली डेली आप लोगों को पराठे एंड पोहा मैक्रोनी वगैरह जो हम लोग लेते रहते हैं, मोस्टली जो बनता रहता है, अगर वो चीज़ नहीं लेनी है तो फ्रूट चाट एंड स्प्राउट वगैरह भी मस्ट ऑप्शन है। बट अभी मैं काट रही हूँ फ्रूट। बताए गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी कई टाइम है तो अभी गर्मी तो सभी जगह हो जाएगी, बट गर्मी ने सबका अभी से इतना बुरा हाल कर दिया है तो पता नहीं आगे क्या होएगा। अभी कुछ नहीं पता क्योंकि इस बार बारिश बहुत ही कम पड़ी थी, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी तो पड़नी है। तो अभी गर्मी की वजह से ना बाहर जाने का मन कर रहा है तो आउटिंग ब्लॉग्स तो बन ही नहीं सकते हैं। और मैं जो डेली का जो चीज़ होगा घर पे ही वही आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बस प्लीज़ प्यार दीजिएगा और वीडियो पूरी वॉच करना, और जो भी न्यू लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और जिससे कि हमारी फैमिली बढ़े और मुझे भी काम करने का मोटिवेशन मिले और अच्छा लगे काम करने में। तो बस तय कि मैं आप लोगों से सारी बातें करूं एंड एक फैमिली की तरह हम लोगों का बॉन्ड हो। बट वही है ना कि उसके लिए मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप लोग मुझे प्यार नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद मेरे ये सपने ऐसे ही ना रह जाएं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। मैं कट कर रही हूँ अभी अनार। ये मुझे बहुत ही गंदा सा लगता है कट करना, छोटे छोटाई में तो अच्छा लगता है खाने में। क्या है ना कि ये फ्रूट ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं क्योंकि इनको खाने का टाइम बहुत ही कम लगता है। उससे ना ये एकदम जो अनार थे ये कब के लाए हुए थे, ये सूख गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी डांट लगाई कि आप फ्रूट वगैरह खाते नहीं हो, ख़राब वेस्ट कर देते हो। तो आज मैं डर के मारे ही जल्दी से अनार छुटा रही हूँ कि ये फिर खराबी ना हो जाए। कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, तो तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना फ्रूट चाट कट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स मेरा फ्रूट चाट तो कट गया है और अब इसको हम थोड़ा चाट मसाला लगा के खाते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ ले रही है ब्लॉग में। प्लीज़ सो फ्रेंड्स दिन के बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मैगी। ये कुछ डिफरेंट टाइप से बना रहे हैं, तो इन्होंने पानी रख दिया है इसमें बॉईल करने के लिए, और यहाँ पर ये कट कर रहे हैं टमाटर, और ये इन्होंने प्याज भी काट दिया है। और मैंने इनसे बोला कि मैगी, इन्होंने कहा कि हाँ चलो मैं बना देता हूँ मैगी, ये बहुत अच्छी बनाते हैं मैगी। और हम लोग मैगी सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट हम लोग भी मैगी बनाते हैं तो हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ऑयल वगैरह डाल के इन्होंने विदाउट ऑयल बनाई थी, और ये देख सकते हैं इन्होंने पानी बॉयल कर दिया है, उसके ऊपर उसमें डाल दिया था नमक, और ये डाल दिया हल्दी, ये है मिर्ची, और ये है थोड़ा सा गर्म मसाला। और अब इसको बहुत अच्छे से इन्होंने बॉईल किया था मसाले को, उसके बाद इसमें डाला है कटा हुआ टमाटर और प्याज, और ये ग्रीन चिली हमने इसमें भी कट कर रखी थी, ये आप देख सकते हैं। और ये हम बना रहे हैं मैगी, 2 मिनट्स में बनने वाली मैगी है, बट हमको इसको बनाने में लगा था 5 से 7 मिनट, क्योंकि उन्होंने अलग थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। तो अभी हम यहाँ पर 2 पैकेट ले रहे हैं, और ये इसके मसाले के पैकेट साइड से। आज इन्होंने कहा मैं आपको बना के खिलाता हूँ, तो मैंने कहा बनाइए हम भी खाते हैं आपके हाथ का। तो इन्होंने इसमें मैगी डाल दी है, और अब मैगी को अच्छे से इन्होंने पकाया है। फ्रेंड्स मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, तो ये मैंने सोचा कि एक बारी मैं शूट कर लूँ। और हम लोग ऑयल वगैरह में बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है, और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें ऐसे। और ये देखिए आप, इन्होंने इसमें मसाला डाल दिया, मसाले को अच्छे से इसमें चला लिया है। ये कहते हैं कि मैं जब बाहर, हम कभी बनवाते थे बाहर कहीं बाहर रेस्टोरेंट या ठेले वगैरह पे, तो वो इस टाइप से ही बनाते हैं। तो मैंने कहा एक बार मुझे भी खिला दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो आज यही बना रहे हैं मैगी। ये देख सकते हैं कि इन्होंने अब मैगी को अभी और पकने दे रहे हैं। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया, और बहुत ही अच्छी लग रही है मैगी। और फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और ये देखिए जो हमारी मैगी है वो बन के डन हो गई है, आप भी आ जाइए। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, उन्होंने सब करके ऐसे रखा था, कहा कि ये लो अब आप दिखाओ। तो मैंने, ये देखिए मेरा अभी काम खाली इसको शूट करने का था, और मैंने तो खाया आराम से। और इसको हम टमाटो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये देखिए मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया। फ्रेंड्स तो अब हम मैगी इंजॉय करते हैं। कुछ ऐसे देख सिंगल मिलेगा, सोए करेंगे सूर्य कुमार यादव के पास, हरभजन सिंह भी रहेंगे अभी हॉट सीट पे 118 पे। दो तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हम मैगी लेके आ गए हैं, अब है मैगी खाने की बारी, आप भी आ जाइए। और तो मेरा मन काफ़ी था कि मैगी खाएं, तो आज ही बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, तो इनका हाथ का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप मैगी बना दो, तो इन्होंने कहा ठीक है हम बना देते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मैगी बना ली है, और अब हम कर रहे हैं मैगी इंजॉय। तो फ्रेंड्स ये बनाई थी शॉर्टली, और मैगी खाने में बहुत मज़ा आता है। और अभी हम देख रहे हैं IPL, और आज जो मैच है वो है मुंबई वर्सेस पंजाब। तो पंजाब खेल चुकी है और मुंबई अभी खेल रही है। तो फ्रेंड्स और अभी हम कर रहे हैं उसके साथ गर्मा गर्म मैगी इंजॉय। ये आप देख सकते हैं कलर में कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए इन्होंने केचप डाला हुआ है, मैं विदाउट केचप खा रही हूँ, और बहुत ही सुंदर बनी है मैगी, और ये बहुत ही अच्छी मैगी बनाते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि प्लीज़ एक मैगी तो आज बनाए दो, तो उन्होंने कहा ठीक है बना देता हूँ। तो फिर मैंने आपके लिए इन्हीं की मैगी शूट की थी। तो आप बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसे वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू लोग चैनल पर हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ 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 बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, जो भी न्यू लोग चैनल को विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमारी भी फैमिली ग्रो हो और मुझे भी काम करने में बहुत अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे प्रियंका का ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।